देखिए आज लाइट वाले प्रकाश पार्ट के अंदर अपन जो डेफिनेशन और सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुके थे। कल की क्लास में अपन ने काफ़ी कुछ देखा था। आज अपन प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बाद में प्रकाश की तरंग की प्रकृति देखेंगे। प्रकाश की तरंग जब माध्यम के अंदर चलती है तो चलती हुई प्रकाश के अंदर सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। ये गर्त है, फिर सुरंग है। चलती हुई प्रकाश के अंदर सुरंग और गर्त का निर्माण होता है और ये प्रकाश की तरंगें जब चलती है तो इस प्रकार से माध्यम के अनुदिश भी चलती है। यूँ इस प्रकार से प्रकाश की तरंगें चलती है। ये जो तरंग बनी है ये बिल्कुल यूँ प्लेन के अंदर है, ऐसे है ये प्रकाश की तरंग ऐसे दिखाई दे रही है और ये ऊपर की तरफ प्रकाश की किरण कुछ ऐसे दिखाई दे रही है और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे निर्मित हो रहे हैं। ये एक्सिस इधर की तरफ फिर 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे जस्ट नीचे की तरफ है और ये एंगल ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे है। प्रकाश की तरंगें जब चलती हैं तो चलते समय ऐसी गति भी होती है, ऐसी गति भी होती है। दो प्रकार की गति होती है, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश की तरंग की प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश की अगर वास्तविक तरंग को देखा जाए तो प्रकाश की तरंग ये है माध्यम की अनुदेश स्थिति। ये प्रकाश की ये जीरो पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट, ये नीचे की पॉइंट। प्रकाश की तरंगें जब चलती है तो जैसे कोई तनी हुई डोरी है और तनी हुई टाइट डोरी को अगर बीच में से पकड़ करके हल्का सा अगर उसको छोड़ते हैं तो जंप करती है डोरी, जंप करती। किसी बड़े बर्तन को अगर बजाओ तो वो भी जंप करते और जंप करते समय जो तरंगें उत्पन्न होती है उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। और अनुप्रस्थ तरंगें कुछ यूं इस प्रकार से निर्मित होते हैं, इस प्रकार से ऊपर और नीचे की तरफ ये तरंगें चलती है। ऊपर की तरफ के भागों को कहते हैं श्रंग और नीचे के भागों को कहते हैं गर्त। ऊपर का भाग श्रंग कहलाता है और नीचे का भाग गर्त कहलाता है। ये नीचे का भाग गर्त है, नीचे का भाग फिर गर्त है, फिर नीचे का भाग गर्त है और ऊपर के भाग हमेशा श्रृंग का निर्माण करते हैं। प्रकाश की तरंगें हमेशा माध्यम के लंबवत चलती है, माध्यम के लंबवत चलती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर चलती है और इस प्रकार चलती हुई प्रकाश की तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगें साउंड की वेव जो निकलती है इसके वीरलंग संपीडन, वीरलंग संपीडन की घटना होती है, वीरलंग संपीडन की घटना होती है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जबकि लंबवत गति होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। दो प्रकार की तरंगें होती है, प्रकाश की तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ तरंगें होती है, अनुप्रस्थ इसमें गति चलती है। देखिए इधर की तरफ, ये है सुरंग और ये है सुरंग। सुरंग सुरंग के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं लैम्डा, लैम्डा। और इधर की तरफ सुरंग और इधर की तरफ ये सुरंग और सुरंग सुरंग के बीच की दूरी को कहते हैं लैम्डा, लैम्डा को कहते हैं तरंग देते हैं। प्रश्न पूछा जाता है प्रकाश की तरंग है उसमें 7 कलर होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 7 रंगों का जो क्रम होता है उसमें बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। पूछे जाते हैं प्रश्न, खतरे के संकेत लाल रंग से क्यों बढ़ाए जाते हैं? कारण ये होता है कि लाल रंग की जो वेवलेंथ बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, वो सबसे मैक्सिमम होती है जिसकी वेवलेंथ 65-63 एंगस्ट्रम पे होती है, 65-63 एंगस्ट्रम की बहुत लंबी वेवलेंथ बनती है जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी वेवलेंथ, जिसमें सुरंग सुरंग के बीच की दूरी या गर्त गर्त के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होती है वो तरंग हमेशा उतनी ही मजबूत और सॉलिड तरंग मानी जाती है। तो प्रकाश की तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ गति करती है। इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं, सबसे पहला पूछा जाता है लैम्डा किसे कहते हैं। लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, शब्द तरंग दैर्ध्य नहीं है, शब्द है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ, वेवलेंथ की जो घटना होती है वो कंपन करते समय सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी होती है। ऊपर का जो शिखर बनता है उसे सुरंग कहते हैं, नीचे का जो यहाँ पे गर्त बनता है उसको गर्त या ट्रफ और क्रिस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट,
एक तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आधी तरंग, फिर यहाँ से आकर के ये खत्म हुई। एक तरंग को कंप्लीट होने में, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, एक दोलन को कंप्लीट होने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में लगने वाले समय को आवर्त काल कहते हैं, जिसको कैपिटल टी से नोट किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इस तरंग के द्वारा प्रति सेकंड या एक निश्चित या एक एकांत समय में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, जिसको दर्शाया जाता है हर्ट्ज से, और इसका मात्रक लिखा जाता है HZ। हाइड्रिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी, तो यहाँ पे हर्ट्ज लिखा जाता है। एक कंपन को पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल सुरंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। माध्यम के अनुदेश होती है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग, और इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। तो ये बीच में तरंग दैर्ध्य, ये कुछ घटनाएं रहती है जिसमें प्रकाश की तरंगें दर्शाई जाती है। प्रकाश की तरंगें जब चलती है तो उसमें विद्युत के गुण भी होते हैं, चुंबक के गुण भी होते हैं। दोनों गुणों के कारण इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो ये प्रकाश तरंगों की गति और ये प्रकाश तरंग की प्रकृति दोनों के बारे में था। सो थैंक यू।